बीजेपी लोग बेईमान लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ। बीजेपी के लोग? हाँ, बीजेपी के लोग बेईमान। फिर भी बीजेपी को आप लाइक करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या कारण है चाचा? पता नहीं क्यों दिल लगी कर बैठे बीजेपी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बेईमान भी बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या मजबूरी है? नहीं, मजबूरी कोई नहीं है, मजबूरी कोई नहीं है, मजबूरी। आरोप पड़ते आरोप भी लगा रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं कि बेईमान भी हैं, फिर वोट भी कर रहे हैं। डीएम ने डीएम को कह दिया होगा, इन्होंने कहा भाई मुझे सीट चाहिए। इन्होंने कह दिया होगा? योगी ने कह दिया। योगी जी सहारनपुर आए थे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, क्या कह दिया होगा? सीट चाहिए, सीट पक्की उनकी बीजेपी। सीट पक्की? हाँ, 100% बीजेपी को वोट पड़ा। इशारों में कह दिया कि अब की बार सहारनपुर की सीट चाहिए, बीजेपी का ही मेयर बने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बसपा से थे, समाजवादी पार्टी से नूर हसन मलिक थे, उनको भी कहीं फाइट में देखते हैं क्या आप? उनके मेरे ख्याल के 80,990 वोट मिल सके। और किन किन की बात कर रहे हैं? इमरान की। अच्छा, इमरान के परिवार खरीदा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, शुक्रिया आपने अपनी राय रखी। कुछ और नौजवान साथी हैं, उनसे राय लेंगे। क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या है इस बार, हवा क्या चल रही है? वोटिंग भी हो चुकी है, अब तो धड़कने तेज हो रही है प्रत्याशियों की, ऐसे में जनता की राय लेने आए, क्या लग रहा है इस बार 11 तारीख में कौन बने? शनिवार को पता चलेगा, अभी कुछ भी पता नहीं जी। अभी फिलहाल कोई तेरे टक्कर आ रहा, कोई कह रहा फूल जीत रहा, अभी कुछ नहीं पता, शनिवार को पता चल जाएगा कौन जीतेगा। किस किस की मानते हैं? टक्कर जो है बीजेपी और बीएसपी में है सर, यहाँ बीजेपी और बीएसपी में। मगर समाजवादी नूर हसन मलिक ने भी काफी जोर लगाया, आपके क्षेत्र से काफिला निकला, हजारों सड़कों पर समर्थक थे, उनका यहाँ पे कोई वजूद नहीं है सर जी। शहर के कोई वजूद नहीं रहा, शहर के अंदर कोई वजूद नहीं है अभी सर। मेरठ में देख रहे हैं, मेरठ में भी आए हैं अखिलेश जी आज सर। कहीं पे भी हो, यहाँ पे जो टक्कर है वो बीएसपी और बीजेपी के अलावा और किसी में नहीं है, दो ही में टक्कर है सर। दोनों में टक्कर मानते हैं? क्या राय चाचा आपकी, आप किसकी टक्कर मान रहे हैं सहारनपुर में? बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है, मुसलमानों को तो चाहते हैं एक तरफ बटा दो। इस बार तो 350 लोगों को टिकट दिया है बीजेपी ने मुसलमानों को, इस यूपी में निकाय चुनाव में ऐसे ही दिया, वो तो जी बतौल्लेबाजी है और कुछ नहीं है। मेरठ में मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है मैदान में खास तौर से। अच्छा जी, जी। यहाँ सहारनपुर की बात, पार्षदों को टिकट दिया है यहाँ पर भी। सहारनपुर की बात करो ना जी, बीजेपी जो है मुसलमान को तो चाहते ही नहीं, ऐसा क्या कारण मानते हैं? बीजेपी तो सबको समान लेके चलती है, उनका नारा भी है खास तौर से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। मगर वो डीएम को पहले ही कहेगा सीट चाहिए मेरे को, डीएम साहब को कह के। हाँ, ये बिल्कुल सरकार चलती है, काम तो खैर वो जो भी करते हैं अपनी सरकार में अच्छे करते हैं। क्षेत्र में देखो आपने, तमाम बल्डोजर चल रहा है, तमाम वैक्सीनेशन चल रहा है, विकास खूब चल रहा है तेजी। विकास तो हो रहा है, हो रहा है, विकास हो रहा है। अभी आप लोगों के बीच अखिलेश जी आए थे इसी रास्ते से होकर, लगता है यहाँ का वोटर जुड़ा है अखिलेश जी के आने से समाजवादी पार्टी की तरफ? जुड़ा है जी, जुड़ा है, बिल्कुल। मैं भी उसी का सदस्य हूँ। अच्छा, समाजवादी से है? समाजवादी से है। तभी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो योगी जी के खिलाफ बोलेंगे आप? योगी खुद हमारे खिलाफ बोलता है। अभी देखिए, 4 तारीख में इस तरह मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है, इसमें भी कुछ डर लग रहा है यहाँ के? सुना ना, बम छुटा दिए, बताओ नु कह रहे कि हम जीत गए, बम छुटा दिए, किन्होंने छुटा दिए वाला ना? अच्छा के जी, हम तो जो हाथी को तो हवा भी नहीं आने की, नु कह रहे पहले बताओ हवा नहीं आने की, बताओ। अच्छा जी, अच्छा। और अभी गिनती भी नहीं हुई, इन्होंने इतनी मेहनत करी, अभी 13 तारीख को गिनती होगी, वो पहले ही कह रहे कि हम तो जीत गए, और वो पहले दिखा रहे हैं, कह रहे कि अब तो मुस्लिम हमारे साथ आ चुका है, यूं कह रहे कि जीत का जश्न मना रहे। हाँ, आज तक हम मुसलमान कर लो, अलट पलट बात कर लो जी। ओके, देखो बीजेपी जीती, जीत गई समझो एक तरह से, जीत गई। किस वजह से मैं आपको बताऊं, क्योंकि सुबह से पोलिंग बूथ पे लाइनें लगी हुई थी, वो शाम तक खत्म नहीं हो पाई, किसी का वोट नहीं डल पाया। हमारी कुछ बात हुई है अधिकारियों से कि जी आपके ना आपकी पर्ची सही नहीं है, आपका वोट सही नहीं है। आपके परिवार में कितने वोटर हैं? हमारे परिवार में 7 वोटर हैं जी। साथ में से कितने लोगों ने वोट डाला? साथ में सब ने वोट किया जी। कैसे कह रहे हैं कि वोट नहीं डाला? और लोगों का जो वहाँ पे मौजूद थे ना, वहाँ उन्होंने हंगामा किया सर जी। क्या कह रहे हैं चाचा? 9 से वोट 3 आए, 9 में से 3 ही डाले। पुलिस ने बहुत लट मारा, 26 वोट थे, 4 वोट आए हमारे, 22 वोट कटे हमारे घर के, मेरा खुद का वोट नहीं था आज जी। देवबंद से हूँ, तहसील थाना मोहल्ला किला। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जो जिले में टक्कर थी भाजपा और बसपा की थी, मगर कुछ बड़े बड़े वायदे भी कर रहे हैं साइकिल वाले कि साइकिल खूब तेजी से दौड़ी इस बार। मुसलमानों के वोट कटे 99%, वोट मेरे घर के खुद के कटे हुए, 26 वोट है मेरे घर के। आरोप लग रहा है कि फर्जी वोटर थे लाइनों में जाते। गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। वालों ने तमाम पकड़े भी हैं, महिलाएं भी पकड़ी हैं। गलत बात है, अफवाहें हैं। आपसे भी राय लेंगे, क्या नाम है भाई? विकास भाई। अरे बीजेपी को खाम खाए बदनाम करने के झूठे आरोप है, पीलीएम में वो है, अगर
दूसरी पार्टी सरकार बन जाता जब तो विलियम पे कोई सवाल नहीं उठाता। बिल्कुल, वो तो एक सोचिए समझिए वो है बदनामी करने के बाद। अच्छा, ये तो यूँ कह रहे हैं कि ये तो सब आरोप लगाए जा रहे हैं फर्जी। फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, बताइए जी, फर्जी लगाए जा रहा है जी। अब न बताओ, जब आप बोल लो चलो आप बोल लो, कोई बात नहीं। आप यूँ बताओ, जब कहेंगे भाई ये झूठे आरोप है। अब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ भी हुआ है खराबी, वहाँ भी खराबी है। अनु बताओ, अखिलेश जी भी तो आए थे, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आगे बात करेंगे। अभी योगी जी भी आए थे, अखिलेश जी भी आए थे। जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि 4 महीने चाहिए। अब वो सहारनपुर के कहा या दियोबंद के कहा, वो तो उनको पता होगा। राय लेंगे आपकी, क्या राय है, क्या नाम है अभी? अखिलेश तो निपट गया ये, अखिलेश के बीच तमाम हजारों की तादाद में समर्थक थे, उमड़े हुए थे, भीड़ ही बहुत ज्यादा। ये सारी भीड़ इधर उधर से लाई गई थी, ये हकीकत पता चल जाएगी 13 को, जमानत जब्त होने जा रही है मलिक की। यहाँ का लीडर इमरान मसूद है, यहाँ हिंदू मुसलमान का लीडर इमरान मसूद है, उस हमारे लिए सबसे बड़ा अखिलेश से भी बड़ा इमरान मसूद है। अखिलेश की कोई औकात नहीं है। खास तौर से लगातार ये कहा था कि मुस्लिमों की एक पेटेंट पार्टी समाजवादी है। नहीं नहीं नहीं, वो देख लिया ना हमने, सुई के नाके में को वोट दिया 95, अभी पीछे 22 में सुई के नाके में मुसलमान ने वोट दिया, कहाँ है? तरफा वोट डाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी को एक तरफा वोट डाला है, तो ऐसे में फाइट कहाँ मारने हैं? भाजपा से मानते हैं या समाजवादी से मानते हैं या कांग्रेस से मानते हैं? नहीं नहीं, हमारी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्चियों के नाम पर, जिस तरीके से, ये बताइए पुलिस वालों की क्या वो बनती है? पुलिस वाले गेट पर खड़े हो गए और उन्होंने पर्चियाँ देखनी शुरू कर दी कि ये नाम, ये भाई वहाँ एक वो बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कराने वाले लोग बैठे हैं, टीम बैठी है, वो चेक करेगी आपका क्या मतलब है। जिस तरीके से नंगा नाच यहाँ पुलिस ने किया है, राघवपाल शर्मा ने भी अभी प्रेस वार्ता करी, देवेंद्र निम थे आपके, राजीव गुम्बर जी थे, बता रहे कि फर्जी वोटर बहुत पकड़े जा रहे थे। फर्जी वोटर तो फिर इनका फेलियर है, कहाँ किसका फेलियर है अगर फर्जी वोटर आ रहा है? कहाँ है इनकी टीमें, क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ सहारनपुर में? फर्जी वोटर कोई नहीं था, बिल्कुल झूठ बात है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम इलाकों में किया गया है ताकि इमरान भाई को हराया जा सके। इमरान को इनकी औकात नहीं है इमरान को हरा दें, इनकी औकात नहीं है इमरान को हरा दें, इन पे यही वो था। इंशाल्लाह जब 50 जब 1 लाख से जीत, सिर्फ लड़ाई जो थी भाजपा की इमरान मसूद से ही थी या नूर हसन मलिक या कांग्रेस से प्रदीप वर्मा डॉक्टर या एडवोकेट साहब? देखिए कांग्रेस का तो है ही नहीं, कांग्रेस तो का तो आपको पता है, उसमें तो बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये लाए हैं वहाँ से गाजियाबाद से जनाब, इनकी जमानत जब्त है, इनके अखिलेश की जमानत सब, यहाँ 2024 में इनकी बुरी हालत होने वाली है। इनको मुसलमान वोट बैठे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री सिर्फ अखिलेश जी ही बनेंगे। और जिस तरीके से लाला जी ने ये जो यहाँ का पूर्व विधायक है, जिस तरीके से इन्होंने काम किया है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, वो आने वाले इंशाल्लाह 27 में इन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। भाई साहब, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? अब तो धड़कनें तेज होती जा रही हैं सभी प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की। बीजेपी को वोट दिया मैंने तो। अच्छा, बीजेपी को ही वोट दिया? आई एम सेंट्रल रेलवे गवर्नमेंट सर्वेंट जी, इसलिए अपनी घरवाली को भी दिया मैंने बीजेपी मना, बीजेपी को दौड़ा वोट। सर्वेंट है तो बीजेपी को ही पसंद करते हैं जी जी जी। अखिलेश जी भी आए थे आप लोगों के बीच में और इसी रास्ते से होकर निकले थे, तो क्या लगता है ऐसे में अखिलेश जी को यहाँ की जनता ने पसंद नहीं किया? ना जी ना। क्यों? वोट दिया उन्होंने, दिया वोट ऐसी बात नहीं, पर यह इतना नहीं दिया।